नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा प्लस टू की फिजिक्स को लेकर के एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ा हूँ। तो अपने चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, और अपने इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था सतत आवेश वितरण। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सतत आवेश वितरण जो है वो आपके तीन प्रकार का दे रखा है, तीन प्रकार का ही होता है। एक तो होता है रेखीय, एक होता है पृष्ठ और एक होता है आयतन आवेश वितरण। अगर आवेश एक रेखा या तार पर वितरित हो तो वो रेखीय आवेश वितरण होगा, अगर आवेश एक पृष्ठ पर वितरित हो तो वो पृष्ठ आवेश वितरण होगा, और यदि किसी आयतन के अंदर अगर आवेश वितरित हो तो वो कौन सा वितरण होता है, वो आयतन आवेश वितरण होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर आवेश का वितरण एकविमीय हो तो रेखीय आवेश वितरण है, द्विविमीय हो तो वो पृष्ठ आवेश वितरण है, और त्रिविमीय हो तो वो आयतन आवेश वितरण होता है। तो आज अपने जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आयतन आवेश वितरण की। तो आज अपने जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में है, वो है आयतन आवेश वितरण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि आयतन आवेश वितरण जो है इसका मतलब क्या होता है। यदि आवेश का वितरण किसी आयतन के अंदर एक समान रूप से हो या त्रिविमीय रूप में यदि आवेश का वितरण हो तो वो कौन सा वितरण कहलाता है, वो आयतन आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर भी उसी प्रकार की एक टर्म आएगी। देखो, अगर आप लोगों ने पीछे वाले दोनों टॉपिक पढ़े हैं और ये टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, जहाँ लेमडा और सिग्मा रख रहे थे उनको हटा देना है और उनकी जगह आपको क्या कर देना है, रो को रख देना है, या फिर आगे लंबाई लिखी थी, क्षेत्रफल लिखा था, वहाँ आपको क्या कर देना है, आयतन कर देना है। या आप लोग इसको ढंग से अगर समझ लोगे तो पीछे वाले दोनों भी अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो देखो, मैं पीछे वालों को साथ जोड़ता हुआ चलूँगा। तो अपने इसके अंदर टॉपिक आता है आयतन आवेश घनत्व। टॉपिक क्या है अपना, आयतन आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित किया जाता है, रो से प्रदर्शित किया जाता है। रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से, और जो अपने पृष्ठ आवेश घनत्व है उसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला इसका Q अपॉन V होता है। किसका फॉर्मूला है ये, आयतन आवेश घनत्व रो का फॉर्मूला है Q अपॉन V। ठीक है, परिभाषा क्या लिखोगे, देखो अगर V का मान एक हो या बोल सकते हो आप लोग एकांक हो, V जो है या तो एक हो या एकांक हो, एक ही बात है दोनों में से, तो रो किसके इक्वल आएगा, Q के इक्वल आएगा। आप लोग बोल सकते हो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये अपने आ गया आयतन आवेश घनत्व। बात करें अगर अपने इसके मात्रक की, तो देखो इसका मात्रक क्या आएगा, Q का तो कूलम आएगा, और ये क्या लिखा हुआ है, आयतन लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, मीटर की क्यूब आएगा। ठीक है, देखो लेमडा का मात्रक आप लोगों ने क्या लिखा था, लेमडा इक्वल आप लोगों ने लिखा था Q अपॉन L, सिग्मा इक्वल लिखा है आप लोगों ने Q अपॉन A, और रो इक्वल आप लोगों ने लिखा है Q अपॉन V। इसका मात्रक कूलम पर मीटर, इसका कूलम पर मीटर स्क्वेयर, इसका मात्रक कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसका जब आप लोग विमीय सूत्र लिख रहे थे तो इसका तो आप लोगों को पता है, आप लोग क्या लिखते हो, A1 और T1 लिखते हो, और अपॉन में सिर्फ क्या लिखते हो, L1 लिखते हो, द्रव्यमान इसमें है ही नहीं, तो क्या लिखते हो, m0 L की पावर -1, T की पावर 1, और A की पावर भी 1। ये दोनों ऊपर है तो ये तो 1 आएगा, और L जो है वो बाद में आ रहा है तो L माइनस का 1 आएगा, और M क्या है, m0 आएगा। और इसे मैंने आपको बताया था क्या लिखना पड़ेगा, m0 L की पावर -2, T1 और A1। L की पावर कितनी लिखनी पड़ेगी, माइनस का 2 लिखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ तो बाग में मीटर है, पर यहाँ बाग में कौन है, मीटर स्क्वेयर है। यहाँ देखो, यहाँ पर बाग में कौन है, यहाँ पर बाग में मीटर क्यूब है। तो इसकी जब आप लोग विमा लिखोगे तो क्या आएगा, m0 L की पावर -3, T1 और A1 आएगा। ऐ बात समझ में, तो ये मैंने तीनों का कंपैरिजन करके एक साथ आप लोगों को बता दिया। यहाँ L इक्वल 1 रखोगे
तो लैम्डा क्यू के इक्वल आएगा। तो आप लोग क्या बोलोगे कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीयावेश घनत्व कहते हैं, एकांक पृष्ठ में या एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये जो अपना फर्स्ट है ये एकविमीय, ये द्विविमीय और ये त्रिविमीय मात्रक। यहाँ से आवेश का कुलाम लंबाई का मीटर, आवेश का कुलाम क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आवेश का कुलाम आयतन का मीटर क्यूब। विमा इस तरीके से आप लोग तीनों की लिख सकते हो। ठीक है, बाकी का फॉर्मूला भी जैसे जैसे मैं आगे बताऊँगा आपको कंपेरिजन कर दूँगा इनका। देखो आगे, अब अपने बात करनी पड़ेगी बल्कि कि जो अपने आयतन आवेश वितरण है या आयतन आवेश घनत्व है, आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व के कारण बल, के कारण बल, अगर बल का मान आप लोगों को बोला जाए कि बल का मान ज्ञात कीजिए, तो तार के अंदर तो आपने क्या किया था, एक सीधा तार ले लिया था और क्षेत्रफल के अंदर आपने एक द्विविमीय आकृति ली थी। यहाँ पर आप लोग क्या कर लोगे, एक त्रिविमीय आकृति जो है वो बना लोगे और त्रिविमीय आकृति के अंदर आप लोगों को क्या कर लेना है, एक अल्पांश ले लेना है। ठीक है, थोड़ा ठीक बना लेना इसे, आपको इस तरीके से एक अल्पांश ले लेना है और इसके अंदर आपको क्या कर देना है, आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित कर देना है। इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, आवेश जो है इसमें वितरित कर देना है और इसी के अंदर आपको क्या कर लेना है, एक छोटा अल्पांश ले लेना है जो कितने मान का होगा, डीवी मान का होगा और यहाँ से आर वेक्टर दूरी पर एक पॉइंट पी होगा जहाँ पर एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो रखा होगा और किसकी दिशा में होगा, आर कैप की दिशा में होगा। ठीक है, तो बल की जब बात की जाएगी तो बल की दिशा विस्थापन सदिश आर वेक्टर की दिशा में होगी, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब देखो साथ में ये भी बता देता हूँ कि रो इक्वल आप लोगों ने क्या लिखा है, क्यू अपॉन वी लिखा है, तो यहाँ जब अल्पांश की बात करोगे तो डी क्यू अपॉन डी वी लिखोगे। कहने का मतलब ये हुआ कि डी क्यू को आप लोग क्या लिखोगे, रो डी वी लिखोगे। ठीक है, पीछे दोनों टॉपिक में यहाँ डी क्यू इक्वल आपने क्या लिखा था, लेमडा डी एल सिग्मा डी ए रो डी वी। ठीक है, इसी से आप पीछे वाले दोनों कर सकते हो। अब देखो आपको क्या करना है, आपको एफ वेक्टर का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ तो आपने अल्पांश लिया है तो कंबल का अल्पांश पर लगने वाले बल का मान जो है वो आपको पता चलेगा और किसके इक्वल आएगा, के क्यू वन, क्यू वन की जगह डी क्यू है और क्यू टू, क्यू टू की जगह फ्रिक्शन आवेश है, दूरी आर स्क्वेयर है और साथ में आर केप है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रख देना है डी क्यू का, कितना है, रो डी वी क्यू जीरो आर स्क्वेयर और आर केप है, तो के रो डी वी क्यू जीरो आर स्क्वेयर और आर केप किसका मान है, ये मान आपके पास में डी एफ वैक्टर का है। अब देखो आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है, यानी संपूर्ण आयतन के लिए जब आप लोग ज्ञात करोगे तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, इसका समाकलन कर दोगे। जैसे ही आप लोग समाकलन करोगे तो यहाँ से डी जो है वो हट जाएगा और सिर्फ क्या आएगा, एफ वेक्टर आएगा और किसके इक्वल आएगा, इस निशान का कोई मतलब नहीं है, बता रहा था यहाँ से समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन के रो डी वी क्यू जीरो आर स्क्वेयर और आर के, यानी जो ऊपर टर्म लिखी हुई है वो टर्म आ जाएगी और साथ में क्या आ जाएगा, समाकलन का निशान आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे, वी लिख दोगे। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नियतांक है उन नियतांकों को आप लोगों को बाहर लिखना पड़ेगा, जैसे के इसका मान फिक्स होता है, नियतांक है, क्यू जीरो परीक्षण आवेश है और अंदर कौन बचेगा, सिर्फ अंदर बचेगा रो डी वी आर स्क्वेयर और आर के, और साथ में यहाँ क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। देखो आर केप जो है बार डी वी इसी के अंदर, रो इसी के अंदर, आर स्क्वेयर इसी के अंदर, आर केप इसके साथ में लिखा है और के क्यू जीरो को आपने क्या कर दिया, बार की साइड में सबसे पहले लिख दिया। अब आप लोगों को क्या कर देना है, आप चाहो तो के का मान रख सकते हो, के का मान कितना रख दोगे, के का मान कितना होता है, 1/4 πε0 होता है, ध्यान रखना के का मान लगभग आप लोग रख दिया करो, जब भी कोई टॉपिक करो तो के का मान जो है वो 1/4 πε0 रख दिया करो, और जब इसके न्यूमेरिकल किए जाते हैं तो के रखना है या ε0 रखना है, इस बात का पता आपको जो आपको संख्याएं दी गई है उससे चलता है। अगर संख्या
इस प्रकार की हो, जैसे 9×10⁻⁹ उसका मान है 9 से घटने वाली संख्याएं हो तो आप लोग के रख देना, और 8.85 के हिसाब से अगर संख्याएं दी गई हो, 10⁻¹² जो मान होता है उसके हिसाब से संख्याएं दी गई हो तो 1/4π ε₀ रख देना। तो मैं आपको बता रहा था कि आप k की जगह क्या रख सकते हो, 1/4π ε₀ रख सकते हो, और इसके अंदर आयतन का निशान आ जाएगा, समाकलन और dv, और साथ में r स्क्वायर और r कैप आ जाएगा। ये किसका मान है, f वेक्टर का मान है। ये दोनों मान किसके आपके पास में, f वेक्टर के मान है। दोनों जो अपने फॉर्मूले आए हैं दोनों के दोनों किसके, f वेक्टर के। पीछे वाले टॉपिक से अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये लाइन तो सबके लिए सेम आएगी, फ़र्क कहाँ आएगा, जो आप लोग मान रख रहे हो उसमें आएगा, लैम्डा एल या फिर सिग्मा ए रो वी, ठीक है। और इसी प्रकार से ये मान भी आपके पास में प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो, आपको तीसरा जो इसके अंदर मान ज्ञात करना होता है वो आपको मान ज्ञात करना होता है आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आयतन आवेश घनत्व या वितरण दोनों कोई भी लिख सकते हो, आयतन आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र, देखो पूरा नाम लिखना जरूरी नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही लिखे, सिर्फ इतना लिख सकता है विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, तब भी आपको यही करना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है उसको गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से परिभाषित करते हैं। तो आयतन आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को बल लिखना पड़ेगा, बल या तो आप ये फॉर्मूला लिख दो या वो लिख दो, मैं पहले इसे लिख रहा हूँ। तो ये आएगा के क्यू जीरो समाकलन वी रो डी वी और आर स्क्वेयर और आर के, ठीक है। ये किसका मान है आपके पास में, एफ वेक्टर का मान है। अब आपको क्या करना है, ई वेक्टर का फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो होता है। किसका फॉर्मूला है, ये आपके पास में ई वेक्टर जो है उसका फॉर्मूला है। इसके अंदर आप लोगों को क्या कर देना है, मान रख देना है। जैसे ही आप लोग मान रखोगे, ये क्यू जीरो इस क्यू जीरो से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में, ये बचेगा के रो डी वी आर स्क्वेयर आर कैप और साथ में वी, या लिख सकते हो ई वेक्टर इक्वल 1/4π ε₀ समाकलन रो डी वी आर स्क्वेयर और आर कैप। किसका मान है, ये ई वेक्टर का मान है। देखो इस फॉर्मूले की और इस फॉर्मूले की कंपैरिजन करके आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं इस फॉर्मूले से क्यू जीरो को हटा देता हूँ, अगर यहाँ से क्यू जीरो क्या हो जाए, हट जाए, तो ये ई वेक्टर का फॉर्मूला बन जाता है। हटेगा क्यों, क्योंकि ई वेक्टर किसके इक्वल होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो के इक्वल होता है। यही बात समझे, यानी आपका ई वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो के इक्वल है। यहाँ से आप लोगों को क्या कर देना है, क्यू जीरो हटा देना है इस फॉर्मूले से। जैसे ही आप लोग क्यू जीरो हटाओगे आपके पास में ये फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। इसे भी आप लोग देख सकते हो, अगर यहाँ से क्यू जीरो हटा दो आप, तो देखो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यही बनता है कि क्यू जीरो को आपने हटा दिया, समाकलन रो डी वी आर स्क्वायर और आर के। तो ये आपका तीसरा टॉपिक था आयतन आवेश वितरण। आप तीनों में से किसी एक को अच्छे तरीके से याद रख लेना, और फिर आपको क्या कर देना है, जो लैम्डा है उसके साथ में एल लिख देना है, जो सिग्मा है उसके साथ में ए लिख देना है, और जो रो है उसके साथ में वी लिख देना है। बाकी कैलकुलेशन सबकी क्या रहेगी, एक समान रहेगी, ठीक है। इन तीनों को आपस में इस तरीके से आपको बदलना है, ठीक। अगर लैम्डा की जगह सिग्मा करते हो तो एल की जगह ए आ जाएगा, सिग्मा की जगह रो करते हो तो ए की जगह वी आ जाएगा, समझ गए ये बात। दोनों को एक साथ में आप लोगों को बदल देना है। तो ये आपका टॉपिक था सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण के बाद में आपके एक और टॉपिक आता है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है आपके, और वो न्यूमेरिकल जो है इस प्रकार से दिया गया है, जैसे कोई टॉपिक होता है उसी तरीके से, तो आप टॉपिक भी मान सकते हो उसे। देखो वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है किसी वर्ताकार पास या वल्ले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसे न्यूमेरिकल में भी दे सकते हैं और क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, शुरुआत का टॉपिक है तो देखना ढंग से उसे। देखो किसी वर्ताकार पास या वल्ले के कारण, पास या वल्ले के कारण विद्युत क्षेत्र, या तो विद्युत क्षेत्र या पूरा लिखो तो विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, यानी ई वेक्टर का आप लोगों को क्या करना है, मान ज्ञात करना है, वर्ताकार पास या वल्य के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक वर्ताकार वल्य को काम में लोगे। मान लिया ये मेरे पास में क्या है, एक वर्ताकार वल्य है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ये वर्ताकार किस एंगल से है, ये बिल्कुल वर्ताकार वल्य है, जैसे ये आपके पास में वर्त होता है ना, उसी प्रकार की वल्य है। फर्क क्या है, इसे आप लोग इस तरीके से देख रहे हो, यानी ये वल्य का सामने का प्रश्न है और आप इसे साइड से देखोगे तो इस प्रकार की वल्य आप लोगों को दिखाई देगी। आई बात सुन, तो आपके पास में क्या है, एक वर्ताकार वल्य, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अक्ष पर अपने ज्ञात कर रहे हैं और अक्ष इसके सामने है। अगर सीधा रखोगे तो ये इसका अक्ष हो गया, अपने को दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये अपने सामने से इसे देख ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए अपने क्या कर दिया, इसे साइड में रख दिया है, इस प्रकार से अपने इसे रख दिया। और इसके अक्ष से स्मॉल एक्स दूरी पर एक पॉइंट पी दिया गया है और इस वल्य की जो त्रिज्या है आप लोगों को वो आर दी गई है और आपसे बोला गया है कि इसके केंद्र ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर स्थित पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्या किया गया है, इस वल्य पर एक समान रूप से आवेश दिया गया है, वो आवेश कितना दिया गया है, प्लस क्यू दिया गया है, यानी प्लस क्यू आवेश क्या कर दिया गया है, इस वल्य पर एक समान रूप से वितरित कर दिया गया है, प्लस क्यू आवेश पूरी वल्य पर एक समान रूप से वितरित कर दिया है। इसके इस भाग पर अपने एक अल्पांश ले लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, डीएल है, ठीक है। और इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वेक्टर, उसका मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर दोगे, इसे मिला दोगे, सीधा आप लोगों को इसे मिला देना है आगे की ओर इस तरीके से। तो ये जो सीधी लाइन आ रही है ये किसके लिए आ रही है, ये लाइन आ रही है डी ई वेक्टर के लिए। अगर ये कोण थीटा है तो सिरसाभिमुख कोण होने की वजह से ये कोण भी कितना प्राप्त होगा, आपके थीटा ही प्राप्त होगा। इतनी बात समझ में आई, देखो आपके पास में एक वल्य थी, वल्य को कितना आवेश दिया गया, प्लस क्यू आवेश दिया गया, ठीक है। इसके केंद्र से स्मॉल एक्स दूरी पर एक पॉइंट पी दिया गया जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ज्ञात करनी है। इसके लिए आप लोगों ने क्या किया, इसकी परिधि पर डीएल लंबाई का एक अल्पांश लिया, उस अल्पांश से आप लोगों ने क्या कर दिया, इसे पी को मिला दिया और दूरी मान ली कितनी है, आर है। और दिशा किस ओर आएगी, मैंने आपको बताया धनावेश से हमेशा बाहर की ओर आती है, बाहर से किस ओर आती है, जिस ओर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, पॉइंट पी पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ से इसकी दिशा किस ओर आ रही है, ई वेक्टर की ओर आ रही है, सीधी बाहर की ओर। अब देखो अपने इस डायग्राम को देख करके ये नहीं बता सकते कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी दिशा किस तरफ आएगी। देखो जैसे अगर डी ई वेक्टर को आप लोग घटकों में बांट भी दो तो एक घटक तो आएगा इसका कोस थीटा में, एक घटक आएगा इसका साइन थीटा में, एक घटक कोस थीटा में, एक घटक साइन थीटा में। अब अपने को नहीं पता कि इन दोनों घटकों में से कौन सा घटक जो है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में, इसलिए अपने क्या करते हैं, इसकी परिधि पर एक दूसरा अल्पांश समान लंबाई का लेते हैं। जैसे ये ए बी है तो इतनी लंबाई का ए डेस बी डेस लेते हैं, डीएल लंबाई का ये है तो डीएल लंबाई का ही ये लेते हैं और इसे क्या कर देते हैं, इससे मिला देते हैं इस तरीके से। और इसकी दिशा किस ओर आएगी, इसकी दिशा भी बाहर की ओर आएगी, डी ई वैक्टर, ठीक है। इसे जब आप लोग घटकों में बांटोगे तो बिल्कुल सेम पोजिशन पर है, जैसे ये रखा हुआ है बिल्कुल उसी के सामने उतनी दूरी पर उसी कोण बनाते हुए रखेंगे तो थीटा कोण ये बनाएगा तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। घटक बनाएंगे इसके तो ये आएगा डी ई कोस थीटा और ये आएगा डी ई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो जो साइन थीटा वाले घटक है वो एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में है, इसलिए साइन थीटा के घटक जो है वो एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे और जो कोस थीटा के घटक है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किसकी वजह से प्राप्त होगी, कोस थीटा के घटक की वजह से प्राप्त होगी। अब आपको क्या कर देना है, देखो अब आपको इसका समाकलन करना है, किसका, डी ई कोस थीटा का, यानी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप लोग क्या करते हो, समाकलन करते हो। किसका करोगे समाकलन, यहाँ डी ई कोस थीटा का करोगे। ध्यान ये रखना है आपको, जोड़ मत देना डी कोस थीटा प्लस डी कोस थीटा टू डी कोस थीटा, वो गलत हो जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा है, इसलिए नहीं जोड़ा है कि अपने घटक तो हमेशा अपने जब भी अल्पांश लेते हैं तो एक अल्पांश लेकर के सोल्व करते हैं। पीछे तीन टॉपिक सोल्व किए हैं अपने आवेश वितरण के, रेखीय पृष्ठ और आयतन, अपने अल्पांश तो एक लिया है तो यहाँ भी अपने अल्पांश एक ही लेना है, ठीक है। ये अपने दूसरा अल्पांश क्यों लिया है, सिर्फ अपने विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए है। अब आपने दो कर दिया फिर तो आप थोड़ी
इस जगह अल्पांश लेकर के तीन कर देते, यहाँ लेकर के चार कर देते, तो इसका कोई मतलब रहता नहीं। तो अपने क्या करना है, सिर्फ इसका समाकलन करना है, और इसका समाकलन अपने संपूर्ण लंबाई के लिए कर लेंगे, यानी जितने घटक है, जितने अल्पांश है, वो सब भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, जिसके अंदर ये वाला डी कोस थीटा भी शामिल होगा। ठीक है, अगर आप दो कर दोगे तो ये परिधि जो है वो दो बार काउंट हो जाएगी, तो ये आपके पास में क्या आएगा, ई इक्वल डी ई कोस थीटा आएगा। अब देखो ये डी एल लंबाई का जो अल्पांश है, इसके अंदर आवेश कितना है, मान लिया डी क्यू है। मैंने आपको बताया था कि लैम्डा इक्वल क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है, अल्पांश ले रखा है, तो डी क्यू किसके इक्वल आएगा, तो डी क्यू आएगा लैम्डा डी एल के इक्वल आएगा। किसके इक्वल, लैम्डा डी एल के इक्वल आएगा। तो यहाँ आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ लिखो ई इक्वल समाकलन, समाकलन का निशान लगाओ डी ई के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर पर क्यू कितना, डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर और साथ में कोस थीटा। पहले बात आर स्क्वेयर की करो, आर को देखो सबसे पहले कि क्या ये वो दूरी है जो अपने यहाँ होनी चाहिए थी। जैसे आप लोगों ने द्विध्रुव वाला टॉपिक किया था फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ कभी तो आ रहा था आर माइनस डी बाई टू, कभी आ रहा था आर प्लस डी बाई टू। क्यों, क्योंकि अपनी दूरी ये लेनी है जहाँ से तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं और जिस पॉइंट की तरफ ज्ञात कर रहे हैं, उन दोनों के मध्य दूरी, और वो कितनी है, आर है। अब देखो आगे क्या करना है, आगे आप लोगों को डी क्यू का मान रख देना है, डी क्यू का मान, डी क्यू का मान ये देखो कितना है, डी क्यू का मान है लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वेयर, और साथ के साथ कोस थीटा का भी मान रख देते हैं। कोस थीटा का मान रखें तो इस त्रिभुज से अपने मान रखेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कोस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण की, आधार और ये क्या है, कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, ये मैंने क्या कर दिया, इसका मान रख दिया एक्स अपॉन आर। देखो ई के को क्या रखोगे, बार रखोगे, के को अपने बार की साइड लिख दिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा लैम्डा डी एल एक्स, और आर की पावर कितनी, आर की पावर तीन। इतनी बात सुनने में आई, अब देखो आगे क्या करना है, आगे आप लोगों को ई यही रखना है, के को यही रखो, लैम्डा को बाहर निकाल दो एक्स, और आर की पावर तीन को भी क्या कर दो, बार की साइड लिख दो, और समाकलन सिर्फ किसका करोगे, डी एल का करोगे। देखो सुनो ध्यान से, आपको क्या करना है, समाकलन करना है, किसका, यहाँ कर रहा हूँ समाकलन, आपको समाकलन करना है डी एल का। आपको पता है कि डी एल का जब समाकलन किया जाएगा तो कितना आएगा, एल आएगा, डी एल का समाकलन तो क्या आएगा, एल आएगा। आप किसका समाकलन कर रहे हो, आप इस डी एल का समाकलन कर रहे हो, एल आने का मतलब ये टोटल दूरी आ जाएगी। देखना आप डी एल का समाकलन कर रहे हो, समाकलन का मतलब कंप्लीट पार्ट देखना आपने, तो ये डी एल है। अगर आप ये कंप्लीट पार्ट देखो तो ये कंप्लीट पार्ट कितना आएगा, एल आएगा, यानी एल का मतलब क्या हुआ, इस वृत्त की परिधि, यानी यहाँ जो एल लिखा गया है उस एल का मतलब क्या है, ये जो सामने वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, जो पास दिखाई दे रही है, जो वल्या दिखाई दे रही है, उसकी परिधि, और उसकी परिधि कितनी आएगी, उसकी परिधि आएगी आपके पास में 2πr, कितनी आएगी, 2πr आएगी। आई बात समझे, यानी आपने जब इसका समाकलन किया तो समाकलन डी एल जो है उसे एल लिखना है, और एल की जगह आप लोग क्या लिखोगे, 2πr लिखोगे। ठीक, यानी एल जो है यहाँ किसके इक्वल है, 2πr के इक्वल है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो देखो ई और के लैम्डा एक्स आर की पावर तीन, और समाकलन क्या आ गया, 2πr आ गया। इतनी बात समझ में आई, अब देखो लैम्डा किसके इक्वल होता है, लैम्डा क्यू अपॉन एल के इक्वल होता है। देखो लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल, डी क्यू इक्वल लैम्डा डी एल, अल्पांश के लिए था और संपूर्ण के लिए लोगे तो लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल, क्योंकि संपूर्ण जो इसकी परिधि है उसका आवेश कितना है, संपूर्ण परिधि पर वितरित आवेश का मान क्यू है। ठीक है, तो ये क्यू आ जाएगा, और लंबाई टोटल लंबाई एल है तो एल आ जाएगा, और एल की जगह आपको क्या लिखना है, 2πr लिखना है। तो लैम्डा इक्वल क्या लिखोगे, लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन 2πr लिखोगे। ये बात फिर से रिपीट कर देता हूँ कि L की जगह 2πr क्यों लिख रहे हैं, अपने DL ये जो दूरी लिए इसका आप लोगों को करना है समाकलन। DL का समाकलन करने का मतलब हुआ इस संपूर्ण वल्य या परिधि जो आपने ले रखी है, इस संपूर्ण वल्य या परिधि का मान ज्ञात करना, यानी इस संपूर्ण लंबाई का मान ज्ञात करना, संपूर्ण लंबाई L, और L का मतलब इसकी कंप्लीट परिधि, और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, परिधि ज्ञात करने का, तो आप लोग क्या लिखोगे, 2πr लिखोगे। अब देखो E किसके इक्वल, यहाँ से ई आप देख सकते हो, के और लैम्डा का मान रखो, लैम्डा का मान कितना रखोगे, क्यू और एक्स 2πr अपॉन आर क्यूब। लैम्डा का मान रखना था अपने को, लैम्डा का मान क्यू और अपॉन में, मान कौन सा रखोगे, 2πr
आर रखोगे, ये 2πr इस 2πr से हो जाएगा कैंसिल और ई किसके इक्वल के क्यू एक्स अपॉन आर की पावर तीन के हो जाएगा इक्वल। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ बचा हुआ पार्ट इस जगह, ठीक है इस जगह लिख देता हूँ शायद आपको दिख जाए। ठीक है, ई इक्वल क्या लिखा हुआ है, ई इक्वल लिखा हुआ है के क्यू एक्स अपॉन आर की पावर तीन, जो यहाँ लिखा हुआ है वो मान इतना है के क्यू एक्स अपॉन आर की पावर तीन। अब आप लोगों को क्या करना है, आर का मान रखना है, आर का ये मान है। देखो अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है शुरुआत का, जैसे मैंने वीडियो शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था, इस टॉपिक को शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था किसी वर्ताकार वल्ले या पास के कारण उसके पॉइंट ओ जो है, यानी उसका पॉइंट ओ जो है, जो उसका केंद्र है उससे अक्ष पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यानी इसके केंद्र ओ से एक्स दूरी पर कोई पॉइंट स्थित है उस पर आप लोगों को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, कितनी दूरी पर स्थित है एक्स पर ये अपने किसके लिए ज्ञात कर दिया, ये अपने आर दूरी के लिए ज्ञात कर दिया। या आप ये मान सकते हो कि इसमें सिर्फ एक्स की टर्म आनी चाहिए, दूरी की जगह बाकी टर्म हटा दो, तो यहाँ से आपको क्या हटाना पड़ेगा, आर जो है वो हटाना पड़ेगा। आर कैसे हटा सकते हो आप लोग, ये जो त्रिभुज है कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के अंदर आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लगा सकते हो, यानी आप लोग क्या लिख सकते हो, आर इक्वल एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, और साथ में पावर कितनी लिखनी पड़ेगी आपको, एक बटा दो लिखनी पड़ेगी। बाहर क्या लिखा हुआ है, आर की पावर तीन लिखी हुई है, तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इसकी पावर कितना बटा दो, तीन बटा दो। क्यूब किया है, देखो क्यूब किया है तो कितना आ जाएगा, तीन बटा दो। ये मान यहाँ रख दो, ये आएगा ई इक्वल के क्यू एक्स और एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इसकी पावर तीन बटा दो, लिख दिया। जैसे ही आप लोगों ने ये मान रखा, तो ये मान रखने के बाद आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि अगर दूरी x, यानी जो अपने दूरी x ले रहे हैं ये क्या हो, r की तुलना में बड़ी हो, यानी जो आपकी वल्ले है वो तो छोटी हो, यानी वल्ले का जो अपने व्यास लिए वो तो छोटा हो, और जो दूरी है उसके x से वो क्या हो, ज़्यादा हो, यानी x क्या हो, r से बड़ा हो। तो अपने ये जो r स्क्वायर लिखा हुआ है इसको क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो आप लोग लिख दोगे एक्स स्क्वायर की तुलना में, एक्स स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर को नगण्य मानने पर, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो आर स्क्वायर को जब यहाँ नगण्य मानोगे तो आर स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आर स्क्वायर हटने का क्या मतलब हुआ, आर स्क्वायर हटने का मतलब हुआ ये जो टर्म है ये आएगी के क्यू एक्स और ये तो हट गया, एक्स की पावर दो गुणा तीन बटा दो, दो से दो कैंसिल और कितना आएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स की पावर तीन। ये देखो ये एक्स की पावर तीन है और ये एक्स है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ई इक्वल इसका लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ये एक्स इससे कट जाएगा तो आपके पास में ई का मान क्या आएगा, ई आएगा के क्यू अपॉन एक्स की पावर दो। ये आपका आंसर आया, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को ज्ञात करनी है वो कितनी आई है, ई इक्वल के क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर आई है। ठीक है, जो अपने लास्ट में मान ज्ञात करनी है ये कितना आ गया, ये आ गया ई इक्वल के क्यू अपॉन एक्स की पावर दो। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो नहीं दिख रहा है तो मैंने सामने भी लिख दिया ई इक्वल के क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर। फिर से देखो सारा टॉपिक जो है, आपको क्या करना है, एक वल्ले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इसके केंद्र से स्मॉल एक्स दूरी पर। सबसे पहला काम आपने क्या किया, सबसे पहला काम था आपका, आपने एक अल्पांश लिया, पॉइंट पे लिया, डी वेक्टर है, इसके आप लोगों ने घटक बना लिए। घटक बनाने के बाद में आपको नहीं पता था कि किसको छोड़ना है और किसको लेना है, तो आपने एक अल्पांश और ले लिया और आपने क्या कर दिया, इस प्रकार से अल्पांश लेने के बाद में इसके भी घटक बनाए, आपने देखा कोस वाले जुड़ रहे हैं, साइन वाले कैंसिल हो रहे हैं, तो साइन थीटा वाले घटक कैंसिल, कोस थीटा वाले घटक आपस में जुड़ जाएंगे, तो आपके पास में इतना कुछ बचता है, इसे हटाने के बाद में ये टर्म बचती है आपके पास में ये, तो ये कोस थीटा वाला घटक था, इसका आपने मान रख दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से, न्यूमेरिकल आपका ये ध्यान रखना डी क्यू, और क्या है लेमडा डी एल है, इसका आपने समाकलन कर दिया और समाकलन डी एल का हुआ 2πr है, लंबाई है, लंबाई की जगह आपने 2πr लिख दिया, लेमडा की जगह q अपॉन l, l की जगह 2πr, 2πr से 2πr कैंसिल, e इक्वल के क्यू एक्स अपॉन आर की पावर 3। फिर अपने पहुंचे इस जगह, आप लोगों ने क्या किया, r का मान रखा
पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए आप लोगों ने, आपके पास में ये है, आपने क्यूब की तो यहाँ पर 3/2 है और ये मान आपने इसके अंदर इस जगह रख दिया। और फिर आपने क्या बोला, आपने बोला कि अगर x का मान r की तुलना में बड़ा हो तो